राजधानी की बात करें तो यहां पर भी जिन विधायकों या मंत्रियों को फिर से टिकट मिला है वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं समर्था के वो जश्न मना रहे हैं और बड़ी जीत का दावा वो भी कर रहे हैं। इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। और मैंने जनता के साथ जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का काम किया। पार्टी ने मेरे प्रति विश्वास जता करके मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं मेरी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की भी की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका प्यार और उनका स्नेह जो मुझे मिला है वो आगे भी मिलता रहेगा। और मैं मानता हूं कि हमारी प्रतिबद्धता है, जनता का अगर हमें आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है और हमें जनादेश मिलता है तो निष्पक्ष भाव से हमें समग्र रूप से क्षेत्र के विकास के बारे में और मौलिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क और साथ में सुरक्षा, ये छह ऐसे विषय मौलिक जिनको किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन 5 सालों में पानी के विषय को लेकर लगभग 150 करोड़ से ऊपर का हमने खर्च, आज बनी पार्क में 38 करोड़ की सड़क बना करके 2 टंकी पाइपलाइन सब बदलने का काम किया, बाद में सड़कें पूरी बन गई। मैंने अच्छा काम किया है इसलिए मेरे विरोध में एक भी आदमी नहीं है, एक भी राजपूत नहीं है, एक भी ब्राह्मण नहीं है, एक भी महाजन नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है।